तो राज से ऐश विनोद यहाँ पर हैं। अभी धूप आ गई तो हम क्या करते हैं, इनको खोल कर ना उस खाने में जहाँ पर रहते हैं उसमें शिफ्ट कर देते हैं। फियोना को खोल देता हूँ पहले ऐसे। एक मिनट ऐश, चलो तुम भी आज़ाद हो। अब मैं बोलता हूँ इनको घर जाओ, तो देखते हैं घर जाते कि नहीं जाते। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये गए अंदर, क्या बात है भाई इनकी। बंद करके ये पंखा चला देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जो जो पिंजरे हैं ना हमारे पास, हाँ भाई, वो सारे इकट्ठा करो। जैसे कि रैबिट्स वाला पिंजरा, ये हमारा नहीं है। अच्छा। और वो वाले जहाँ जिसमें हम मोर लेकर आए थे ना, वो वाली टोकरियाँ, अच्छा, वो भी हमारी नहीं है। तो किसकी है? और जिसमें हम कबूतर लेकर आए थे फियाज भाई के लिए पिंजरा, हाँ? वो भी हमारा नहीं है, उसको भी ऊपर से उठा के आना है। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों मार्केट। कल तो वो चीज़ नहीं मिली थी, लेकिन आज मुझे यकीन है कि वो चीज़ आ चुकी होगी, क्योंकि कल मैं जिस दुकानों पर गया था ना सिप्तान, तो पीछे रह गया था। मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कल आ जाएगा इंशाल्लाह, आप आज चले जाएं, कल इंशाल्लाह आ जाएगा, वो मिल जाएगा। तो सिप्तान टोकरियाँ सारी इकट्ठी करो और चलते हैं मार्केट। और रमज़ान भाई भी आए हुए हैं, पता चला है तुम्हें? देखा है ना? उनका नाम, उनका नाम रखते हैं बनीज। बनीज, हाँ ठीक है, ठीक है बनीज। चलो भाई निकलो 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 निकलो, चला चला चला। यार मुझे ये वाले रैबिट्स ना बहुत पसंद आए हैं, इनके जो बड़े बड़े बाल है ना, ऐसे लगते हैं जैसे ना कॉटन की तरह ही फील होता है, बहुत ही मुलायम से हैं। तो अब माशाल्लाह सारे ना रैबिट्स घास खा रहे हैं और इनको मेरे ख्याल में भूख लगी होगी। चलो भाई चलो, खा लो खा लो खा लो, देना चाहिए। अच्छा सिप्तान, हाँ? तुम इनके साथ बैठो, ठीक है? हाँ? मैं जाता हूँ वो चीज़ें इकट्ठी करता हूँ। एक तो ये पिंजरा लेके जाना है रमजान भाई के पास। हाँ चलो, ये रमजान भाई का काम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ऊपर से मैं पिंजरा भी लेकर आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रमजान भाई? वालेकुम सलाम भाई जान, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? ईद कैसी गुजरी है? बड़ी अच्छी गुजरी है, घर बैठे बैठे। आप तो प्यारे हो गए हो यार, नाई ने पैसे लिए 100 रुपया, प्यारे कैसे। तो हो गया काम, ये वाला रहता है यार अभी भी काफी। सुबह से आप ये इसी पे लगे हुए, हुआ नहीं है? सुबह सिर्फ 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा? तो ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये लगेगा वहाँ पर, और उसके बाद हैंडल वगैरह लगेंगे और रमजान भाई का काम हो जाएगा कंप्लीट। और रमजान भाई फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने घर को जाएंगे। घर को क्या मतलब, ऊपर वाली किचन भी बनानी थी। अच्छा। और वो फार्म का काम भी था मिनी जू में, वो भूल गए? वो भी करेंगे। या फिर छुट्टियां करनी है? नहीं छुट्टी नहीं है, एक काम और भी करना साथ, वो भी करेंगे, आपका भी करेंगे। हमारा करके आप उधर जाना दूसरे घर में, ऐसे नहीं आपको सामान नहीं हम उठाने देंगे। ठीक है, हाँ अब करें, मैं आ रहा हूँ फिर। सही है, जल्दी से बनाए। क्या हुआ, डर गए? मुझे डरा दिया मुझे। आओ चाचू, आज मार्केट चले चाचू। हाँ, आपको लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ? अभी पिंजरा उठाना है, पिंजरा तो छोटा है। ये वाला उठाना है ना, ये वाला बड़ा है। ये पोटी की है, ये कबूतरों की है। चलो उठाओ पिंजरा आप, चलो नीचे चलो मिनी तुम्हें। हमारी यूनिफॉल, हाँ दोनों घूम रही हैं माशाल्लाह दोस्तों। कल से हमारी यूनिफॉल अब एक साथ रह रही हैं, मतलब इधर उधर नहीं जा रही, गुम शुम नहीं हो रही। नहीं तो क्या होता था, जो भी हम यूनिफॉल लेकर आते थे एक दिन टिकती थी, दूसरे दिन गायब। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर रह रही है। यार शेयान ने अभी तक रैबिट्स नहीं देखे, तो उसको रैबिट्स भी दिखा देते और साथ में मार्केट भी उसको लेके चलते हैं। आज कैसे हैं? नहीं 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 देखे थे हैं, पकड़ना नहीं इनको, घास खाने दो, नहीं तो डरेंगे बहुत ज़्यादा ये। सही है, प्यारे हैं ना, अच्छे? चलो शुक्र है, आज पहली दफ़ा शयान ने मेरे पूछने पर फौरन बोल दिया कि अच्छे, नहीं तो पहले कहता था नहीं है अच्छे, फिर बाद में कहता था अच्छे हैं। यार ये वाला सारा सामान ना बर्ड मार्केट में हमें वापस करना है, क्योंकि हम जब लेके आए थे ना चीज़ें, तो हमने कहा था हम आपको ये वापस कर देंगे आपके पिंजरे वगैरह। तो अभी तुराब ना यहाँ पर रैबिट सारे पकड़ रहे हैं वाइट वाले, इनको अंदर बंद करने हैं। और शयान वही पकड़ो, वो गया, हाँ गया। ओए ओए ओए, ब्लैकी ब्लैकी खरगोश के पास, तुराब डरा उसको, डरा दिया मारने नहीं आ रही थी, देखने आ रही थी इसको। आओ भाई चलो भाई। तो दोस्तों मैंने ये घास ना यहाँ से तोड़ा है, और ये वाला घास हम अपने नए बनीज को डालेंगे। तो सिप्तान दरवाजा खोलो उनका, भूख लगी होगी। चलो भाई चलो, ये लो भाई घास खा लो, चलो शाबाश आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, उसके बाद तुम लोगों से मिलेंगे हम बाद में आके। चलो भाई बंद करो, आ जाओ आ जाओ। चलो फिर तुम दुआ करो
कि वो चीज़ आई हुई हो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो चीज़ है जो मैं आज लेने वाला हूँ। ये देख रहे हैं सामने हमारा वाइट पीकॉक। सिप्टैन को मैंने नहीं बताया था कि ये हम लेने जा रहे हैं, तो वो ना उधर पिंजरा देने गया हुआ है, तो उसको मैं बुला के आता हूँ कि भाई ये हमने लेना है। और यहाँ पर और भी मोर घूम रहे हैं यार, ये तो ब्लू शोल्डर मोर है। यहाँ पर अंधेरा है, समझ नहीं आती यार किस तरह के हैं। इसको हम बाहर निकालेंगे फिर समझ आएगा। इधर आओ, क्या हुआ? ये देख रहे हो ये वाइट मोर, ये वाला लेना है। हाँ जी सही बताओ। हाँ जी यही लेना है। चाचू आप कहते थे ना वाइट मोर लो, वाइट मोर ले रहे हैं। वो देखो सामने खड़ा हुआ है, अंदर जाने भी पड़ा है। अंदर नहीं जाओ भाई, अंदर जाओ शैन, चलो पकड़ के आओ, जाओ जाओ नहीं चलो। अच्छा अच्छा असद भाई, ये वाइट मोर सही है। आ जाए शैन, शैन भाग गया। ले चलो ले चलो। तो फाइनली दोस्तों हमने आज वाइट पीकॉक भी ले लिया है। और क्या हुआ? जूस चाहिए? अच्छा जी भाई, ये भाई आपका फैन है, छोटा सा। अच्छा सही है, उजैर नाम है भाई। उजैर है, चलें भाई। ओके ओके, आपका क्या लगता है? ये भाई अपना। अच्छा अच्छा सही है सही है, मैं शयान को जूस दिला के आ रहा हूँ, ठीक है सही है। उसने कोई मटकी वाला देख लो, कोई लिमका शिमका, वो आ जाओ चलें। ऐसे ठीक है, सही है ना? हाँ हाँ। शयान मोर कैसा लगा? अच्छा, अच्छा है ना? हाँ। शयान को यार व्हाइट मोर बहुत पसंद है। इसने पहले भी जिक्र किया हुआ था कि चाचू व्हाइट मोर लेना। अब तो अब हमने शयान और सिप्टैन को एक किस्म का कैसा लगा भाई सरप्राइज? अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी दोस्तों हम घर जा रहे हैं, घर जाकर ना इसे हम अपने मोर को खोलेंगे। अभी ना बंधा हुआ है, इसके पर भी नहीं कटे हुए। हमने बोला भाई को पर नहीं काटने, भाई हम इसको ऐसे ही टेम करना चाहेंगे। तो अभी घर जाएंगे, इसको खोलेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे मिनी जू में रहता है। तो फाइनली यार हम घर पहुंच चुके हैं और अब हम अपने इस मोर को ना मिनी जू में लेके जाते हैं। है कैसे है? पूंछ तो यूं हो जाएगा ऐसे। हाँ। ये खुल गया, खुल गया। हाँ। पहले इस रस्सी को ना उस अच्छा। से बांधो। चलो, 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 चलो। ये क्यों लाए थे वैसे? मैं बताता हूँ ना तुम्हें, ये बांध दे। मुझे बताओ यार, मैं बांधता हूँ। हाँ बांधो बांधो ऐसे, ठीक हो गया। सही से बांधो। कितनी बड़ी? अभी भी बड़ी, अपनी मर्जी से घूमता रहेगा ना। एक दो दिन में टेम हो जाएगा ये? तकरीबन हफ्ता लगता है भाई, हफ्ता से 10 दिन मोर को लगते हैं टेम होने में। अभी तुराब ने इसको खोलने लगा है। हाँ भाई अभी एक मिनट तुराब रुको, अभी रुको रुको जाओ भाई। क्या बात है, क्या बात है यार। हमारा मोर ना इधर चला गया है और इसकी रस्सी हमने काफी बड़ी रखी है ताकि अपनी मर्जी से कभी वहां जाए, कभी इस छत पर बैठ जाए। छत पर बैठने से क्या होगा कि इसको हमारे मिनी जू की लोकेशन का पता चलेगा, मतलब इसको इर्द गिर्द के दीवारों की पहचान हो जाएगी कि ये मेरा घर है, यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। तकरीबन 10 से 12 दिन या 7-8 दिन ऐसे ही इस घर को पहचानेगा, फिर इस घर का पक्का हो जाएगा। तो इसके पर हमने नहीं काटे सिप्टैन, इन सबको ऐसा ही करना चाहिए था। हमने खाम खाम में सबके पर कटवा लिए थे यार। यही रस्सी थी ना, ये रस्सी सब में बांध देते हम। खैर कोई नहीं, लेकिन फिर भी यार उनको जब मैं देखता हूँ ना जंप नहीं मार सकते वो, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तुम्हें पता है मुझे जब कैद होते हैं ना परिंदे, बहुत दुख होता है फिर। चलो कोई नहीं, ये भी सेट हो जाएंगे। चलो यार, उन्होंने बोला था वैसे कि आपके ना ये मोर 2-2.5 महीनों में ना पर गिराएंगे, फिर इनके नए पर आ जाएंगे, लेकिन अब तो पर नहीं है, गुजारा करेंगे बेचारे इस तरह से। तो हम इनको दोस्तों अभी अकेला छोड़ देते हैं और सिप्टैन ऊपर आओ तो मैं एक चीज दिखाऊं। मैंने देखा वहां पर ना एक नया कबूतर बैठ रहा था हमारी छत के ऊपर, वो देखते हैं आ गया है यार। हाँ पकड़ते हैं, काफी दिनों से कबूतर नहीं पकड़ा, तो ऊपर जाके देखते हैं यार। कबूतर आया हुआ था, बहुत ही प्यारा था। चलो सिप्टैन। ओ यार सिप्टैन, फाउंटेन फुल हुआ पड़ा है, मुझे तो नहीं पता ना मैंने खोला है, तुमने खोला यार? क्यों भूल जाते हो यार हमेशा? मैं कहता हूँ बस 2 मिनट में बंद कर दूंगा फिर। अच्छा यार ऊपर कबूतर देखो, कोई नया बैठा हुआ है सिप्टैन, जरा नजर फेरो ना ऊपर देखो। नहीं है, कहाँ है? हाँ वहां पर देखो, तो आप नजर आ रहा है कोई? नहीं है कोई। चला गया, उड़ गया भाई, वो सामने बैठा हुआ
जी भाई, कबूतर यहाँ पर बैठा था नया, फिर उड़ गया। वो सामने बैठे हुए हैं, वो नए वाले कबूतर उधर। पैंथर वाले भाई ना वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैंने पैंथर का पूछा है और उन्होंने बोला पैंथर बिल्कुल ठीक है, आप उससे मिलने के लिए आ जाएं। तो हम सोच रहे हैं कि पैंथर को एक दफ़ा देख रहे हैं, वो कितना बड़ा हो गया है। भाई तो कहते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जाएंगे देखेंगे फिर पता चलेगा कितना बड़ा हो गया है वो। काफ़ी मुश्किल जगह है ये। तुम्हें क्या हुआ यार, तुम क्यों बीमार हुए खड़े हो? यार ये नया कबूतर है जो पिछले दिनों हम फ्याज भाई के लिए नहीं लेके आए थे, उनमें से एक कबूतर तो ठीक है, मेरे ख्याल में ये फीमेल है, ये बीमार है। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रही। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना है कि इसको कौन सी दवाई देनी चाहिए। ये चुप चुप सा है, एक ही जगह पर ठहरी रहती है, तो पता नहीं क्या बनता है इसका। हाँ भाई रैबिट, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? कब लेकर आओगे बाहर उनको, हैं बता दो। चली गई यार, ये बच्चे दे रही है लेकिन हमें पता नहीं है इसके कितना बच्चे हैं और कब वो बाहर आते हैं। अपनी मर्जी से बस देती है, फिर गुम हो जाते हैं। तो यार हम समझ रहे थे हमारे मोर जो है ना आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन वो वाला जो हमारा पुराने वाला मोर है ना, इस व्हाइट वाले को बहुत तंग कर रहा है, इसको मार रहा है। जो है वो अंदर जाता है ना, ये उसके पीछे आके उसको मारने लग जाता है। इसी की वजह से यार, पता है ये मोर ना इधर उधर ना फंस रहा है, ये जो दरख्त देख रहे हो तुम। हाँ हाँ, इनमें फंस रहा है, फंस रहा है और ऊपर से फिर वो आके मारने लग जाता है उसको। अब देखो, लेकिन क्या पता था एक दो दिन में सेट हो जाए। वो तो जाएंगे सेट, क्योंकि एक मोर लाजमी नहीं कि अकेला ही रहे, उसके साथ में काफी मोर होते हैं। मैंने सही सही सही, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, मुर्गों की तरह ज्यादा नहीं लड़ रहे थे, थोड़ा सा लड़ते थे फिर साइड पे लड़ रहे थे। उसको जरा तुम देखना, तुम्हें मैं दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा यार गुस्से में लग रहा था वो। इन दोनों को एक साथ ही रहना होगा भाई, ऐसा ही है। चलो यार, अब तुम दोनों ने एक साथ ही रहना है, जैसे भी है। अब लड़ाई छड़ाई बंद करो और आराम से प्यार से आपस में रहो, ठीक है? लड़ाई लड़ाई माफ करो। हाँ माफ करो। देखो देखो चलो भाई, बाकी रैबिट्स को, परिंदों को, सबको ना बाहर निकालो फिरते हैं। और अच्छा, तुम एक चीज दिखाऊं क्या भाई, हमारे एक छोटा उड़ने भी लग गया है, ये देखो। कौन सा वाला? ये उड़ के चला ही ना जाए भाई, देखना देखना जंप करेगा। एक मिनट भाई, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उसका मूड नहीं है वो, अभी इतना नहीं उड़ पाता। हां भाई बैठ जा, ठीक हो गया। सही है, कितना प्यारा लग रहा है सिप्पी। हां बिल्कुल, कामयाब हो गए यार इनको बड़ा करने में। कुछ तो मरे, हाँ बच गए ना, पल गए ना। सही है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेंगे, अब एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से ये पलते हैं। सही है, ठीक है, सबको सिप्पे निकालो और इनकी मैं फीड बनाता हूँ, इनको फीड देते हैं पहले, इनको बंद कर देते हैं। तो यार बनीज को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, एक वहाँ पर घूम रहा है और तुरा वहाँ पर तोतों को फीड करा रहा है, मतलब के खाना खिला रहा है। इनको भूख लगी होगी, शाम की डाइट देनी थी इसको। हमने एक दो दिन के अंदर इनका खाना भी रख दिया करेंगे साइड पे, क्या पता सीख जाएंगे। ट्राई करेंगे, देखेंगे। हाँ अभी तो खिलाओ पास पा के तुम। सिप्तान पता है, ये देख रहे हो इसका रिंग भी आ रहा है, अभी से रिंग आ रहा है यार इसका तो। अच्छा ये मेल है, काटता भी है यार, मतलब ये खाना पीना शुरू कर देगा भाई, काटने लग गया अब। चलो भाई ट्राई करेंगे, खाना पीना भी इसको देंगे, फल फ्रूट। पहले खाना खिलाओ, मुंह खोलो भाई, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। हो गया, इसको और भी दो और। तो यार ऐशवन को अभी तक हमने नहीं खोला और अभी शाम हो रही है, हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में इनको खोल लेंगे। और रैबिट्स को पहले हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यार रैबिट को देख के ऐश तो भाई पागल हो जाएगा, फौरन हमला कर देगा। तो भाई अभी तुम्हें नहीं खोलेंगे, रैबिट्स को थोड़ा रिलैक्स होने दो, फिर तुम्हें रिलैक्स करेंगे हम, ठीक है? दो मिनट बस। यार ये रैबिट्स और सिल्की हैंस की आपस में थोड़ा बन नहीं रही, मैं देख रहा हूँ ये मार रही हैं, हालांकि एक जैसी दिखती हैं। नो, ये भी सॉफ्ट है, वो भी सॉफ्ट है, वाइट कलर दोनों का। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। सेम टू सेम, एक जैसी फर। देखो दोनों का सेम, क्या फिर भी यार दोस्ती लगा लो, तुम्हारे जैसे तो हैं ये, देखो एक जैसे जिसे मैं। क्यूट हैं दोनों। चलो जाओ भागो गंदी, चलो चलो चलो, इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है? ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको व्हाइट मोर कैसे लगा है। तो मिलेंगे चला कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शेयर में दाद को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ हैं? भागो तुम भागो। यार सिद्धैन इसको देखा है, ये बार बार यहाँ पर झांक रहा है, मुझे लगता है कभी ये छलांग मार के गली में घूम रहा होगा, फिर कोई इसको लेके चला जाएगा। नहीं यार जरा देखना होगा इसको, ये ना हो के चला जा, गुम हो जाए। हैं नहीं वो नहीं, इनकी नहीं बन रही, आपस में लड़ रहे हैं। हाँ और जैसे भी ऊपर चले। अच्छा रैबिट्स को तो यार बंद कर लो सकते हैं, बिल्ली भी ले सकती है इनको, मुर्गी भी मार सकती है, चोट आ गई तो फिर खत्म भाई, बीमार हो जाएंगे, हमें रैबिट्स का पता भी नहीं चलता।